हम लोगों के साथ जो है अर्चना जी हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ अर्चना जी, कैसी हैं आप? नमो बुद्धाय सर। जी नमो बुद्धाय। सर मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर। हाँ जरूर एक्चुअली जरूर बताएं। हाँ एक्चुअली अभी फिलहाल एक एक 1.5 महीना पहले मेरे घर में देवर का जो बेटा था उसका जनेयू का प्रोग्राम हुआ है। तो उस प्रोग्राम में मुझे, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम रहता है वो, तो उस प्रोग्राम में मुझे हर वक्त ऐसा महसूस हुआ कि पूरे प्रोग्राम में मतलब जो कुछ भी उनका रीति रिवाज के हिसाब से वो करते, तो पूरे इसमें ज्यादातर मतलब पुरुष लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और बाकी महिलाओं को मतलब सिर्फ काम के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मुझे कहना था। एक्चुअली जब वो कुछ वो रीति रिवाज के हिसाब से वो मुंज जो उस टाइप का होता है जनेऊ के लिए, तो जो जिनका पहले मुंज हो चुका है, जो मतलब जिनका जनेऊ हो चुका है जो बच्चों का, तो उनके लिए वो क्या करते हैं कि उनको उस पूजा में बिठा के उनका मतलब पैर धुन वो उसका जो पूजा पाद्य पूजा बोलते हैं, पाद्य पूजा करते हैं वो। तो उस पूजा में जो पहले जिनका जी जनेऊ हो चुका है तो उन्हें बिठाकर वो उनकी पूजा करते। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते जो कि लड़के ही होते। एक्चुअली जनेऊ तो सिर्फ लड़कों का ही होता है, लड़कियों का उनमें कोई हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जब पूजा भी करते हैं तो ज्यादातर मतलब औरतें या फिर लड़कियां ही उनकी पाद्य पूजा करते हैं। मतलब उनपे उनके पैर धोना, उनको पैर वो टॉवल से पोछना या फिर उनपे फूल रख के उनके पैर पड़ना। फिर वो छोटा भी बच्चा अगर होता है तो वो अगर वो जनोई पहना हुआ पुराना भी होता है तो उसके जाके पैर पड़ते हैं और उसको वो कहते हैं कि वह एक वामन के अवतार है। मतलब ये वामन का अवतार मुझे अभी भी समझ में नहीं, मतलब क्या अभी वो वहां वो ब्राह्मण बोल रहा था कि अभी ये अभी प्रत्यक्ष ही वामन के अवतार हो चुके हैं और उनका आप अभी उनका दर्शन करना है आपको। और वो फिर मैं सोचती हूँ कि ये वामन के अवतार है तो ये दिख क्यों नहीं रहे, ये तो साधारण से बच्चे लग रहे, तो फिर ये कहाँ से आ गए और कहाँ से इनको वामन का अवतार बोल के, मतलब हम मान ले बस बाकी का कुछ नहीं करे, जाके उनके पाद्य पूजा करे या फिर पैर धो धोकर उनके पैर पड़े अगर ऐसा कुछ। और वो भी करते वक्त एक्चुअली मुझे भी वो करना पड़ा। और जब मैंने मेरे ही जो ननंद थी, ननंद के बेटे थे, उन दोनों बेटे वो भी थे उस पूजा में, उनको भी वो पूरा पहना के बिठाया था तो उनके भी पैर धोने थे। तो मेरे से सासू माँ ने पैर तो धो लिए और जब उन फूल रखने की वक्त आई तो मुझे बाहर हटा दिया वहां से और खुद ने रखा। तो वो मुझे कुछ अलग सा लगा क्योंकि एक्चुअली अगर पैर ही धोने थे तो पूरी रीति रिवाज मेरे से कर लेना था ना। तो पैर जी धोने के लिए मुझे रखा और बाकी अगर फूल वगैरह कुछ रखना हो या फिर कुछ करना हो तो फिर वो मेरे सास ने बीच में आके वो कर दिया। और रही ये बात। और दूसरा एक, जब खाना खाते वक्त भी अगर खाने को बैठते हैं तो सब ब्राह्मण के साथ घर के पूरे पुरुष लोग बैठते हैं और महिलाएं कोई भी नहीं बैठती है। मतलब ये भी मुझे कुछ अटपटा सा लगता है क्योंकि ऐसा हमारे में नहीं होता है, बुद्धिस्ट लोगों में नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा कुछ अलग सा मुझे महसूस होता है कि ऐसा क्यों, हर एक इसमें अगर रखना हो तो फिर तुम सिमिलरिटी रखो ना, इक्वेलिटी रखो ना, कि अगर जहाँ हमको मतलब आदमी लोगों को अगर इतना रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट देना है तो वही रिस्पेक्ट आप लड़कियों को क्यों नहीं दे सकते, घर की औरतों को क्यों। हालांकि काम हम सब करते, आज हमने कम से कम 7-8 दिन तक हमने पूरा पूजा का वो सब फराल वगैरह बनाना ये वो सब हमने किया, सब किया, लेकिन जो कुछ भी क्रेडिट जाता है तो वो लोगों को मतलब पुरुष लोगों को जाता है, महिलाओं को। और उसमें भी हमारी घर की सब महिलाएं बहुत खुश रहती है। हालांकि मुझे ये रीति रिवाज पसंद नहीं है तो मुझे वो कुछ अटपटा सा लगता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब और हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है मेरे घर के बाकी, और वो लेडीज को नहीं समझ में आता कि ये अपने को सिर्फ यूज करके लेते हैं बाकी इनका कोई ये नहीं रहता, उनको सिर्फ पुरुष लोगों को ही अपना वर्चस्व दिखाना होता है। इवन सभी है मेरे घर के सभी पुरुष, और वो सब जब ये सब करते हैं तो उनमें बहुत अहंकार दिखता है। इवन छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम अभी बहुत ये हो गए, हम ब्राह्मण हैं तो हम बहुत बड़े, मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं। इतना उनका छोटा भी बच्चा होगा 8-10 साल का, तभी भी उसमें वो गुरूर वो अहंकार रहता है।
और वो बहुत बड़ा रहता है। और यही मुझे बताना है कि ये ऐसे रीति रिवाज तो मैं एक्चुअली उस घर में हूँ, मैं उस घर में मतलब एक बहू बल के हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ कि हम ये इसको कैसा ये करें समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे बस एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना था, तो उतना मैंने कर दिया सर। जी मैम, थैंक यू, आपने बोल्डली अपनी बात रखी। आप जो फेस कर रही हैं, आई होप कि जो है डोमेस्टिक कंडीशन आपकी सही होगी, अच्छी होगी। इसमें बस मैं केवल इतना ऐड करूंगा मैम, ये जो भी हो रहा है ये इनके धर्म में है। इसमें मनुस्मृति के ही इसमें श्लोक में, ये एक मनुस्मृति का चैप्टर 4 श्लोक नंबर 206 ये कहता है कि इस प्रकार बहुतों का यज्ञ करने वाले स्त्रियां आदि जिस यज्ञ में होम करते हैं वह साधुओं का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। अनुवादक पंडित जनार्दन झा। ये एक सोचा समझा प्री मेडिटेटेड रूल्स इस तरह से बनाए हुए हैं आपको, मतलब कमतर आंकने के, और पर्पज इसका बहुत सीधा साधा है मैम, एक इन्फीरियोरिटी पैदा करना। जिसमें इन्फीरियोरिटी होगी तो वो वैलिडेशन के लिए जो अब्यूज़र है उसकी तरफ देखेगा, तो उससे कंट्रोल जो है इजीली स्थापित हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल गेम है, बट आप इसको समझ रही हैं इसका मतलब आप ऑलरेडी फ्री हैं। तो आई होप कि जो है आगे आप रैशनैलिटी के थ्रू अपने परिवारजनों को भी समझा सकेंगी। और एक बात थी जी सर, और एक बात थी एक्चुअली उनमें और एक ये रहता है कि उस दिन मातृ भोजन एक ये रहता है रीति रिवाज में, उसमें आता है रिवाज उनका मातृ भोजन। तो उस मातृ भोजन में जब मतलब उस दिन सिर्फ वो जो उसकी माँ जो रहती है, जिसका जन्म हुई जिस बेटे का जन्म हुई उसकी जो माँ रहती है, तो उसे वो थोड़ा सा मतलब वो चढ़ा के रखते उसको उस दिन उसका मतलब उसका थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह होता है उसको, वो बेटे को ऐसा मतलब अपनी गोद में बिठा के उसको खाना खिलाना होता है, वो एक रिवाज होता है। फिर उसके बाद वो बेटा दूसरी तरफ जाके उसका डैडी के साथ, उसके डैडी के साथ उसका शादी होता है, ऐसा है वो बीच में वो अंतर पाठ वगैरह रख के। तो इधर वो जो माँ खाना खाने बैठती है, तो वो वहां जाके वो मंत्र नहीं सुन सकती, उसने नहीं सुनना चाहिए वो। और वो जो जब वो उनका वो जनोई का प्रोग्राम चालू रहता है, तो वो बेटा और वो लड़के में शादी, पिताजी में और फादर में और सन में वो शादी होता है उनका। और उस वक्त माँ इधर खाना, उसने खाते ही बैठना है इधर, वो वहां नहीं जा सकती, वो सुन नहीं सकती उनका वो मंत्र, ऐसा कुछ है। तो और एक मेरे दिल में एक ये आया कि अगर अभी फिलहाल तो मेरा बेटा नहीं है, मुझे एक्चुअली मेरे दो बेटे ऑलरेडी मैंने खो दिए, मतलब मेरे मतलब प्री मैच्योर भी नहीं बोल सकते हैं, जब वो प्रेगनेंसी के वक्त दो मेरे बेटे जा चुके हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो रीति रिवाज में मुझे ना बिठाए, इसीलिए तो कुछ हुआ नहीं होगा मेरे साथ। हाँ, नई पॉसिबिलिटी है, ये अंधविश्वासी हाँ, समाज है तो इसमें तो एक्सक्यूजेस क्योंकि देखने हैं हमको तो। हाँ हाँ क्योंकि दोनों भी बार मुझे जो मेरे मतलब मुझे दो बेटे हुए थे, दोनों भी बार वो मतलब 6 6 महीने के होने के बाद वो पेट में ही मेरे चले गए। तो उस वक्त मुझे ये समझ भी नहीं आता था कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता था कि ये नेचुरल है सब, शायद नेचुरली हुआ होगा। मुझे हाइपरटेंशन का थोड़ा प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी में, तो मैम, शायद वैसे उसकी ही वजह रीजन से हो। होगा, जाहिर सी बात है, कोई वैसा ही रीजन होगा उसमें, किसी कोई ऐसी कोई मतलब। लेकिन उसके बाद मतलब सिर्फ बेटों के वक्त हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, वो एक अच्छा रीजन, क्योंकि हाँ सिर्फ बेटों के वक्त हुआ है। मेरे दो बेटियां हैं, एक बड़ी है अभी एक छोटी है, तो दोनों के वक्त मुझे नहीं हुआ है, लेकिन बेटों के वक्त सेम कंडीशन सेम ये मेरा प्रोसेस था, दोनों इसमें सेम हुआ था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीति रिवाज उसका है, तो शायद वो जो मातृ भोजन का जो रिवाज है, तो शायद मुझे बिठाना पड़ता था उनको वहां पे, और वो ना बिठाए क्योंकि वो जो रिवाज है, तो वो किसी और की लड़की को ना बिठाए, इसीलिए तो शायद कुछ उन्होंने कुछ किया होगा। अभी मुझे वो थोड़ा सा मतलब डाउटफुल होता है कि ऐसा क्यों हुआ था। अब वो मुझे पूरा फ्लैशबैक आता है कि ऐसा अगर होता है तो हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा वहां पे, और वो मेरे मुझे मतलब वो नहीं तब रियलाइज नहीं हुआ था जो आज हो रहा है।
क्योंकि वो जो रीति रिवाज मैंने देखा है तो उसमें देखा है कि मैंने सिर्फ माँ का थोड़ा सा वहां पे रोल एक्स्ट्रा होता है वो जनेऊ के वक्त, कि उसको खाना खिलाना पड़ता है, कुछ दो तीन रीति रिवाज में उसको बैठना पड़ता है, तो वो जो बातें थी तो कहाँ तो भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, तब मुझे नहीं पता था, जब मैंने अभी देखा है वो रिवाज तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ये रिवाज मेरे से नहीं करना था, तो उन्होंने मुझे मतलब वो सब नहीं होने के लिए उन्होंने, क्योंकि कुछ भी होता अगर होता तो शायद मुझे बिठाना जरूरी था, मैं उसकी माँ थी तो शायद हो सकता था कि मुझे बिठा कर ही उनको वो सब करना था, तो वो नहीं करना चाहिए तो कुछ गलत उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे अभी डाउट होता है सर, सिर्फ मैं इतना आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर। जी, ओके ओके अर्चना जी, हम लोगों ने आपकी बातें सुनी। आपने जो बताया एक ब्राह्मणिकल सिस्टम में किस तरह से चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, कैसे बच्चों को ब्राह्मणवादी बनाया जाता है बचपन में ही, और उनके साथ भेदभाव भी महिलाओं के साथ होता है, ये भी आपने अच्छी तरह से बताया। और हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, ये भले ही इनके बच्चे लाख कितना भी चिल्लाते रहें कि महिलाओं का, हमारे यहाँ महिलाएं वेद पढ़ती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वेद पढ़ने उड़ने कुछ अधिकार नहीं है। आज आपने बता भी दिया कि महिलाएं जो है वो मंत्र नहीं सुन सकती हैं, और ये बात अलबरूनी भी लिख के गया था कि ब्राह्मण जो है वेद का उच्चारण वगैरह महिलाओं के साथ नहीं करते थे, चले जाते थे दूर जगह जंगल वगैरह में, वहाँ जाके वेद पढ़ते और क्या करते थे, महिलाओं के सामने भी और नहीं पढ़ते थे। तो वो कभी अधिकार नहीं दिए हैं, कभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए हैं। और दूसरे वर्ग की महिला अगर गलती से शादी कर ले तो इनके मन में हमेशा से एक वो बना हुआ है ना कि ये तो हमसे नीच है, आड़ी है, हाँ हमेशा वो उनके, एक हाँ हम हमेशा उनके मन में जो है ये भावना जो है वो बनी रहती है। तभी तो इनको कहा जाता है ना कि भारत में ये नासूर है, भारत का जो प्रोग्रेस है, भारत को जो हम आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो भारत का भविष्य, वैसे में ऐसी सोच वाले लोग जो हैं भारत के लिए नासूर है, और इसी कारण से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जी हालांकि ठीक एक्चुअली ये सब तो अगर होता है तो एक्चुअली मेरे भी घर में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई मतलब कुछ बीमार गिरता है या कुछ होता है तो मेरे से सलाह ली जाती है, मतलब उस वक्त मैं मुझे रिस्पेक्ट दिया जाता है कि अरे, क्योंकि मुझे बहुत सारा उसमें का मालूम रहता है कि अरे बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, डाइट उसका कैसा होना चाहिए, वो सब मुझे पता है, तो फिर वो रिस्पेक्ट मुझे देते हैं। खुद सासू माँ मुझे फोन करके बोली कि अरे उसको क्या दू ये दू, लेकिन जब उनके पूजा पाठ का वक्त आता है तब मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि तब मेरा मतलब मैं ऊंच ऊंच से नीच हो जाती हूँ, और जब मुझे कुछ पूछना होता है अगर मैं डॉक्टर की करूँ तो फिर उनके लिए मैं बड़ी हूँ, तो तब मैं अच्छी हूँ, तब मुझसे पूरी सलाह ली जाती है और उस सलाह को माना भी जाता है किया भी जाता है, लेकिन जब पूजा पाठ की वक्त आती तब मुझे मतलब मेरा ये दिखाया जाता है कि नहीं तू इसमें नहीं आ सकती, बाकी तू सब कर सकती है, ऐसा वो है। इसका एक ही, जी अर्चना जी, इसका एक ही संदेश है कि जब तक ब्राह्मण धर्म का पूजा पाठ कर्म कांड है वो साफ साफ जब तक रहेगा तब तक वो दूसरों को नीचा समझते रहेंगे। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था रोटी बेटी संबंध जो है इनफ नहीं है ब्राह्मणिज्म को हाँ या कास्ट बराबर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, जब तक कि उनके सारे धर्म ग्रंथों को खत्म ना कर दिया जाए, तभी बाबा साहब ने कहा था, वो बात वो पकड़ चुके थे। आपने जो कहा ना अभी मेंशन किया 21वीं सदी में, वो दरअसल इसी का परिणाम है। एक मानव के तौर पे कोई बीमार है तो वो आपसे बात कर रही है, फोन कर रही है, ये कर रही है, लेकिन जैसे पूजा पाठ की बारी आ रही है तुरंत आपको शूद्र बना दिया जा रहा है। तो ये वही कारण है, क्योंकि धर्म से जब तक लोग चिपके हैं, ब्राह्मण भी जब तक कर्मकांडी है, धर्म को मान रहा है, तब तक वो शूद्र मानता रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जी ब्राह्मण धर्म को ही खत्म करना या ब्राह्मण धर्म होना ही नहीं चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, तभी डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। शुक्रिया आपका अर्चना जी यहाँ पे आने के लिए, खूबसूरत वर्ड्स को। आप थैंक बिल्कुल अकेला मत समझिएगा, हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके भाई हैं, और यू इतने यस सारे भाई आपके साथ खड़े हैं, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं और खड़े हैं। मैंने देखा था आपकी जो वीडियो क्लिप हमने पढ़ी थी, वहाँ पे बहुत सारे दुबे चौबे छब्बे नब्बे दीक्षित आके वहाँ पे गाली बकते रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा उसकी, ठीक है ना। नहीं सर, आपने जो आप हमें हिम्मत दिखाई ना सर, तो वो सच में मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि आपका हर एक वक्त मतलब जब जब मैं आपकी स्ट्रीम अभी दिन भर में स्ट्रीम देखती हूँ आपकी, जब भी देखती हूँ ना तो मुझे एक हिम्मत सी आ जाती है सर, पता नहीं ऐसा लगता है कि मुझे अब उनको फेस करने के लिए मुझे शब्द मिले हैं, किस हिसाब से मैं उनको फेस करूँ ये मुझे अभी पता चलता है, पहले मैं वो पता मुझे नहीं मालूम था, कि ये तो मालूम था कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसको मैं कैसा डिफेंड करूँ,
खुद को। तो अभी मुझे पता चलता है सर ये स्ट्रीम से कि हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं, हमको पता है कि अब उनसे कैसा लड़ना है। और मैं अभी तो इतनी मतलब इतनी पावरफुल हो गई हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है सर कि आपका ये सब सुन के। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुनकर। थैंक यू फॉर दैट। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया अर्चना जी जुड़ने के लिए। ओके।